कमेंट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 55 है। नितेश पूछते हैं, सर 10C और 19 फिल कर दिया है, 15G भूल गया, अब TDS कटेगा। क्वेश्चन सही है। देखिए, अगर 15G आपको तब भरना ज़रूरी है जब आपका PF का अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हो रहा हो, 50,000 रुपये से ज़्यादा हो रहा हो और सर्विस आपकी 5 साल से कम हो, तब आपका TDS कटने की बात आती है। पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए। अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि प्रैक्टिकली होता क्या है। प्रैक्टिकली जो 50,000 है ना, PF का अमाउंट आप 50,000 मत देखिएगा, PF का अमाउंट आप 45,000 देखिए, क्योंकि जब आपका फाइनल सेटलमेंट किया जाता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। तो 15G भरना कब ज़रूरी है? जब 45,000 रुपये से ज़्यादा आपका PF बन रहा हो, तब आपको 15G भरना ज़रूरी है। अब आपने जो सवाल पूछा है कि मैं मान लेता हूँ कि आपका 50,000 से ज़्यादा है और आपने 5 साल की सर्विस अभी कंप्लीट नहीं की है, और ऐसे में बिना 15G के फॉर्म आपने भर दिया, तो यहाँ पे सारा का सारा जो काम है वो PF अधिकारी के ऊपर आ जाता है, अकाउंट ऑफिसर के ऊपर आ जाता है। उनकी चॉइस है कि वो चाहें तो आपका फॉर्म पास कर सकते हैं, जिसके अंदर वो 10% का TDS काट सकते हैं। इसके अलावा वो चाहें तो आपका क्लेम फॉर्म ये कह के रिजेक्ट कर सकते हैं कि आपने 15G फॉर्म नहीं लगाया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए 19 और 10 से रिजेक्ट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि फॉर्म 15G नहीं लगाया गया है, तो ऐसा उनके पास ऑप्शन है। लेकिन आप उनके भरोसे मत बैठिए। अगर आपने 15G फॉर्म नहीं लगाया है तो आप ग्रीवाइंस लगाइए और उसमें बताइए कि हमने 15G फॉर्म नहीं लगाया है, हम PF ऑफिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारा क्लेम फॉर्म रिजेक्ट कर दें ताकि हम दोबारा से अपना 15G फॉर्म लगा सकें। बाई चांस आप लेट हो गए हैं और आपका ऑलरेडी सेटल हो चुका है, तो अब आपको जो भी टैक्स कटा है वो आपको जिस साल में कटा है वो साल ख़त्म होने के बाद जो अगला जो ITR भरने का समय होगा, जैसे अभी चल रहा है 2022-2023 चल रहा है, तो अगर इस साल के अंदर कोई भी टैक्स कटता है आपका, तो उसे आप जुलाई 2023 के अंदर ITR भर के अपना रिफंड ले सकेंगे। नुकसान आपका कोई नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपके पैसे लगभग 1 साल के लिए सरकारी अकाउंट के अंदर जमा हो चुके हैं। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको काम की लगी होगी, ज़रूर बताएं कमेंट में। इसके अलावा आप 2.5 साल से देख सकते हैं रिकॉर्ड जाके कि मैं आपको लाइव में सपोर्ट करता आ रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और बेहतर तरीके से आपको सपोर्ट करूं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तब ये चैनल बड़ा होगा। मैं जो आपकी परेशानियां देखता हूं, ये परेशानियां आगे मैं PF ऑफिस तक भी पहुँचा पाऊँगा, और हो सकता है कि वहाँ से आप लोगों की सहूलियत के लिए और बेहतर सुविधाएँ बन सके। इसके अलावा अगर आप पार्ट टाइम के तौर पर काम सीखना चाहें तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको लगता हो आप मुझे सपोर्ट करना चाहें तो आप मेरे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर पे भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो बना सकूं।